कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश से एक राहत की खबर है। मध्य प्रदेश में 2.25 लाख से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति अब स्वस्थ हो गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हालात अभी भी बेकाबू बने हुए हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1085 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अब संक्रमितों का आंकड़ा 2,30,000 के पार चला गया है। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस ने पिछले 24 घंटों में 15 लोगों की जान ले ली। सबसे ज्यादा हालात इंदौर के खराब है। आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले 24 घंटे में 405 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51,168 हो गई है, जबकि यहां पर संक्रमण का शिकार होकर अब तक 834 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि इंदौर में ही 46,146 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। अगर एक्टिव केस की बात करें तो आर्थिक राजधानी इंदौर में 4,188 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में दूसरे सबसे ज्यादा हालत खराब खुद राजधानी भोपाल की है। यहां 24 घंटे में 171 नए मरीज सामने आए थे। इसके बाद शहर में संक्रमितों की संख्या 37,074 हो गई थी। शहर में अब तक कोरोना से 553 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि 34,067 लोग अब तक संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि शहर में अभी भी 2,454 केस एक्टिव हैं। इन दोनों शहरों के बाद तीसरे पायदान पर ग्वालियर का नंबर आता है, जहां कोरोना के संक्रमितों की कुल संख्या 15,508 हो गई थी। शहर में अब तक 191 मरीजों की मौत हो चुकी है और अब 426 केस एक्टिव हैं। चौथे पायदान पर संस्कारधानी जबलपुर है। जबलपुर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 15,033 हो चुकी है, जबकि 234 मरीजों की मौत हो चुकी है। शहर में अभी तक 450 केस एक्टिव हैं। पांचवें पायदान पर सागर आता है। सागर जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,765 हो गई थी। इसमें से 145 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 202 मरीज अभी भी एक्टिव हैं।